एक और बड़ी खबर है पठानकोट तो बड़ी खबर है नशेड़िया का अड्डा बनी हुई है पठानकोट की इकलौती लाइब्रेरी का हाल भी तुम विखावे कि किवे बेहाल यह हो रखी है। पर खबर इस तो पहला वड्डी खबर प्रशासन वालों अजे तक कोई भी खासा ध्यान इस पर नहीं दिता गया है। विद्यार्थियों ने सुधार की मांग की है तो लाइब्रेरी नशेड़िया का अड्डा बनी हुई है। वड्डी खबर लगातार तुम सुखा रहे नशेड़िया का अड्डा बनी हुई है पठानकोट की लाइब्रेरी। लिविंग इंडिया न्यूज़ से जड़ा मुद्दा है लगातार पहला भी चुकिया मुड़ फिर तो असं चुक रहे लाइब्रेरी लैके पर प्रशासन से भी सवाल निशान खड़े हो रहे हैं क्योंकि प्रशासन गंभीरता नाल इस विषय से जो ध्यान देता है तो यदा सुधार हो सकता है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पहले ही पंजाब खराब है। दूजे पास नशा जड़ा जवानी लगातार खत्म कर रहा पंजाब की जवानी लिए नासूर बनया हुआ नशा तो खंडर बन चुकी है इकलौती लाइब्रेरी और नशेड़ी दे आके नशा करते हैं। ये स्थिति फिलहाल नज़र आ रही है इस लाइब्रेरी की। हम सवाल ये आखिर जिम्मेदार कौन है ये पिछे कि सरकार की गंभीरता ये पिछे एक बड़ा सवाल है या फिर जिले प्रशासन का। पर साफ तौर पर खंडर बन चुकी इकलौती लाइब्रेरी लैके वड्डी खबर तुहानूं सी विखा रहे हाँ। नशेड़िया का अड्डा बनी हुई है पठानकोट की लाइब्रेरी तुम देख सकते हो तस्वीर च किवें खंडर बनी हुई है। भावें बिजली बोर्ड की गल की जाए वह भी टुटिया होया तुम देख सकते हो 1982 में ओपनिंग की गई थी। हर एक पासे तुम देख सकते हो कंधा दे की हालात नज़र आ रहे हैं तरेड़ा पईयां होईयां ने इन्हां कंधा च किसी भी समय कोई भी वड्डा हादसा हो सकता है। पर नशे के पदार्थ भी इत्थे नज़र आ रहे हैं नशा करन वालियां चीज़ां भी साफ तौर पर नज़र आ रही ने। तुसीं वेख सकदे हो हर एक कोना तुहानूं ये दसण लई काफ़ी है कि किस तरह के मंजर बने हुए ने। कभी कंप्लेंट नहीं की थी? की थी जे बड़ी बार की थी और मोस्टली मैं यहाँ पढ़ने के लिए आती हूँ बट यहाँ का जो इन्वायरमेंट है और एटमॉस्फेयर है वो काफ़ी ऐसा है कि बंदा यहाँ पे अच्छे से पढ़ नहीं सकता है। तो यहाँ पे वॉशरूम की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, काफ़ी देर तक इंसान यहाँ पे बैठ नहीं सकता है क्योंकि कई बार इंसान को पानी पीना होता है जहाँ थोड़ी देर के लिए पढ़ने के बाद थोड़ा सा फ्री टाइम चाहिए थोड़ा सा कि वो बाहर घूम सके। बट यहाँ पे एटमॉस्फेयर ऐसा है कि लोग आते जाते रहते हैं बार बार, मोस्टली लड़कियों को काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जब मैं ज्वाइनिंग इतने दी थी तो 10 दिन बाद मैं विजिट की लाइब्रेरी की, वाकई की खस्ता हालत है। उसका असं जो एस्टीमेट जो रिपेयर कर दिता है जी, रिपेयर मेंटेनेंस का जो भी है वह आने वाली जी हाउसिंग मीटिंग एफ एंड सीसी की मीटिंग इसमें अपरूव करा के यूनिट की कार्रवाई करना है। फिलहाल तुम वेख सकते हो सरदारी लाल कपूर वालों 1982 यदा उद्घाटन किया गया से इकलौती लाइब्रेरी का की हाल बनया हुआ खंडर बनी हुई है लाइब्रेरी। नशे आते नशेड़ी आते ने नशा करके इतों लगातार जा रहे ने बोतल नशे के टीके या फिर दवाइया के खाली रैपर्स इतने आम तौर पर तुम नज़र आ जाएंगे। हर किते धूल ही धूल नज़र आ रही है तो किताबों का हाल भी तुसी वेख सकते हो। हालांकि आम तौर पर इस तरह दियाँ जड़ियाँ लाइब्रेरियाँ होंदिया ने काफ़ी साम संभाल की लोड़ होंदी है पर कदे फंड्स की घाट में लैके विवाद सामने आता है जिदे करके मेंटेनेंस वर्क सही तरीके नाल नहीं हो सकता या फिर स्टाफ की घाट के चलदे भी इस तरह दियाँ चीज़ां सामने आंदियां ने। महाराजा रणजीत सिंह म्युनिसिपल लाइब्रेरी तुहानूं विखा रहे ते 1982 च ये बन के तैयार हुई है पर हालात की ने इस दे तुसी वेख सकते हो। पठानकोट तो गुरप्रीत सिंह साढ़े नाल साढ़े पत्रकार जुड़ चुके ने। गुरप्रीत इस स्थिति का कारण की हैगा? जी बिल्कुल रणजीत सिंह महाराज रणजीत सिंह जी लाइब्रेरी है ये नगर निगम के सामने जी बनी है
ਜਿਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰੀ ਲਾਲ ਜੀ ਕਪੂਰ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨਕ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 37 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਬਣੇ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸਦੀ ਹਾਲਤ ਬਿਲਕੁਲ ਜਰਜਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਵੇਰੇ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਤਰੇੜਾਂ ਆਈਆਂ ਪਈਆਂ, ਘਾਸ ਫੂਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਮਿਆ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਮ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅੱਡਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ 37 ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਬਣੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਥੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਖ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੀੜੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਖਤਮ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਫੰਡਸ ਦੀ ਘਾਟ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਫੰਡਸ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਔਰ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖਬਰ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਫੰਡ ਆ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ 2 ਸਾਲ ਅੱਜ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੱਲ ਸਾਡੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਫੰਡ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਭੇਟ ਚੜਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ।